हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तीसरे चरण की काउंसलिंग, डीईओ को पत्र, छठे चरण के शिक्षक नियोजन अंतिम दौर में। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। उच्च पदस्थ अफसरों के मार्गदर्शन के बाद तीसरे चरण में उन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की जानी है जहाँ पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग के दौरान विभिन्न वजहों से चयन प्रक्रिया रोकी गई है। ऐसी नियोजन इकाइयों की संख्या करीब 400 से 500 के बीच बताई जा रही है। लिहाजा इन नियोजन इकाई में कितने पदों एवं विषयों के लिए काउंसलिंग कराई जानी है कि संख्या जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग अगस्त के अंतिम हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में आयोजित की जाएगी। इधर प्राथमिक शिक्षक नियोजन की दूसरे चरण की काउंसलिंग समाप्त हो गई है। हालांकि अब भी नियोजन इकाइयों से दूसरे चरण की चयनित अभ्यर्थियों की संख्या एवं रिक्तियों का अंतिम आंकड़ा प्राप्त नहीं हो सका है। दरअसल जिला स्तर पर भी जिला पदाधिकारी एवं विविध जवाबदेह पदाधिकारियों के तीसरे चरण में दर्जनों नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग खारिज कर दी है। इसकी जानकारी मुख्यालय को अभी अपडेट की जा रही है। इसके अलावा सूत्रों का दावा है कि दूसरे चरण में 35 से 40% पद रिक्त रह गए हैं, यहाँ खारिज की गई है काउंसलिंग। पूर्णिया नगर निगम में 5 और 6 अगस्त को आयोजित वर्ग 6 से 8 और 1 से 5 के 5 तक की काउंसलिंग को शिक्षा विभाग ने रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के पारू और सकरा में 10 अगस्त को कक्षा 1 से 5 तक की काउंसलिंग निरस्त की गई। यहां प्रस्तावित तीसरे चरण के दौरान एक बार काउंसलिंग कराई जा सकती है। आज का न्यूज़पेपर है 17 अगस्त का। तो अब तीसरे चरण में जहां का भी कैंसिल हुआ है वहां का काउंसलिंग तीसरे चरण में कराया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हमारे साथ बने रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।